दुर्ग लोकसभा के पूर्व सांसद दिवंगत चंदूलाल चंद्राकर को आज उनकी पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भिलाई 3 के चंदूलाल चंद्राकर व्यावसायिक परिसर में स्थापित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्री बघेल ने उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प स्थानीय कांग्रेस नेताओं व आमजनों को दिलाया। कार्यक्रम का आयोजन भिलाई 3 चरोदा समाज सेवी संगठन के बैनर तले किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुबह भिलाई 3 बाजार पहुंचे। उन्होंने यहां पर स्थापित पूर्व सांसद व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पावन स्मरण किया। श्री बघेल प्रतिवर्ष 2 फरवरी को पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई 3 बाजार में स्थापित स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुँचते ही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत नेता चंदूलाल चंद्राकर को अपना राजनीतिक गुरु बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर 5 बार लोकसभा सांसद रहे। उन्हें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ कांग्रेस में काम करने का अवसर मिला था। केंद्रीय मंत्री के दायित्वों का भी उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ राज्य गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीति में रहते हुए उनकी जीवन शैली सादगी की मिसाल रही है। ऐसे नेता के साथ काम करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात रही है। आज सभी को चंदूलाल चंद्राकर के बताए आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। चंदूलाल चंद्राकर जी की आज पुण्यतिथि और चंदूलाल चंद्राकर हमारे दुर्ग लोकसभा से 5 बार सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, संगठन में महामंत्री रहे और वो इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ उन्होंने काम किया और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने में उनके बहुत अहम भूमिका रही है और राजनीति में वो संत थे और पूरा जीवन उनके सादगी भरा रहा है। ऐसे महान व्यक्ति साथ हम सबको काम करने का अवसर मिला, आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। चंदूलाल चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ राज निर्माण के पुरोधा के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। अन्य विभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी उनको बड़े सम्मान से स्मरण और याद किया जाता है। चंदूलाल चंद्राकर जी ने पूरे छत्तीसगढ़ की नाम को पूरे देश दुनिया में रखा और एक ऐसे महान व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छे लेखक भी थे, बहुत अच्छे एक समाज सुधारक भी थे और राजनीति को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा। अपने मोटरसाइकिल से भी बहुत सारे देशों में उन्होंने भ्रमण किया और आज हम सब उनके बनाए हुए छत्तीसगढ़ में, उनके मार्गदर्शन में बना हुआ छत्तीसगढ़ में हम लोग निवास कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं चंदूलाल चंद्राकर जी को पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परम श्रद्धे चंदूलाल चंद्राकर जी को मैं उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भिलाई इस्पात संयंत्र को इस स्थिति में आज तक जो रखे हैं, बढ़िया जो उनको बचा के रखें, उसमें बहुत बड़ा योगदान श्रद्धे चंदूलाल जी का रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज कृषि के क्षेत्र में हमारे जो उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, अनेक प्रकार के जो फलों का जो उत्पादन खासकर दुर्ग जिले में, रायपुर जिले में हो रहा है, उसकी भी देन, चाहे वो शिमला मिर्च हो, चाहे पपीता हो, चाहे केले की खेती हो, इस ओर प्रोत्साहित करने वाले आदरणीय श्रद्धे चंदूलाल चंद्राकर जी रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ये पुण्यतिथि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक हम लोग का अवसर है। 29 साल से मना रहे हैं, जब से यहाँ चंदूलाल जी का प्रतिमा अनावरण हुआ है, विशेष रूप से बाजार चौक भिलाई 3 में प्रत्येक वर्ष उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है 2 फरवरी को, और उसमें यथेष्ट अतिथि भी बुलाते हैं, वक्तागण भी आते हैं। आज बहुत समय अभाव होने के कारण हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जल्दी चले गए और जो चंदूलाल जी छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखे थे, पृथक छत्तीसगढ़ का, उसको साकार करने के लिए एक एक नागरिक का कर्तव्य है कि छत्तीसगढ़ में जन जागरूकता लाए, नशे के खिलाफ लड़े, किसानों की आय में वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा अच्छे रोजगार की ओर बढ़े, आत्मानंद स्कूल और चिकित्सा का सर्वसुलभ होना, ये भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे तो चिकित्सा और शिक्षा को व्यावसायीकरण से दूर करने का प्रयास किए, जिसका
परिणाम है कि आज 7 लाख से अधिक विद्यार्थी आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाट बाजार क्लिनिक चल रहा है और लगभग 1 करोड़ लोग सरकारी योजना से चिकित्सा का लाभ ले चुके हैं, चाहे छोटे बड़े रूप में। और चंदूलाल जी के सपनों को साकार करने का काफी प्रयास माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था। इस कार्यक्रम में भिलाई 14 नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेन साहू, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, अशोक डोंगरे, ओनी महिलांग व आयोजन समिति भिलाई 3-14 समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष सुजीत बघेल विशेष रूप से शामिल थे। साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित रहे। ACN News के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।